आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे सैलानी हैं, छात्र हैं और अन्य व्यक्ति हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं और इस लॉकडाउन में अपने झारखंड राज्य, अपने जिले देवघर नहीं आ पाए हैं, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें भी क्वेरीज आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इस संदर्भ में। तो तीन चार मुख्य बिंदु हैं जिससे आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी। पहला तो ये कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोगों के जो बगल के सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, इन राज्यों में जो हमारे देवघर जिले के मजदूर फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए हम लोग बसेस की अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसकी मैपिंग की जा रही है और 1 से 2 दिनों में ये बसेस इन राज्यों में हमारे मजदूर को वापस लाने के लिए निकल जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य लोग हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, दो विकल्प हैं। पहला तो अगर वो वाहन की व्यवस्था उसी राज्य में कर लेते हैं के लिए उन्हें अनुमति वहां के जिला प्रशासन से लेनी होगी। और दूसरा विकल्प ये है कि अगर उनके कुछ परिजन यहाँ हैं और वो यहाँ से व्हीकल लेकर, वाहन लेकर जाना चाहते हैं किसी को लाने के लिए अन्य राज्य जो कि वहाँ फंसा हुआ है, उसकी अनुमति जिला प्रशासन देवघर देगी। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो देवघर में फंसे हुए हैं और जो अन्य राज्यों को बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने राज्य लौटना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। यहाँ से सारी मिलने वाली अनुमति जो है उसके लिए आवेदन आप उपायुक्त कार्यालय में जमा करें, अनुमति आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो हमारे दूर के राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र या गुजरात या जो साउथ के हमारे राज्य हैं, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, जैसा कि कल भी हम लोगों ने देखा कि तेलंगाना से एक ट्रेन स्पेशल खुली झारखंड के लिए, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर विचार विमर्श कर रही है कि कैसे दूर के राज्यों से ट्रेन के माध्यम से मजदूर भाई हमारे और अन्य लोग लौट पाएंगे झारखंड राज्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, तो हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। उसके जो 2 नंबर हैं वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं और आगे भी हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कंट्रोल रूम के नंबर पे ज़रूर कॉल करें और वहाँ से ये सब जानकारी